आरटीआई कारकुना ते पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे वकील एचसी अरोड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं पत्र लिख के मांग की है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पाकिस्तानी दोस्त आरुषा आलम दे एक साल एक्सटेंड किते वीजे दी पड़चोल की जावे। एचसी अरोड़ा ने गलबात दौरान दस्या कि आरुषा आलम पंजाब सरकार दा एक वखरा केंद्र बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जदों पंजाब दे दरियाई पानिया दे पलीत होने दा मुद्दा गर्म सी उस वेले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहाड़ा विच जाके आरुषा आलम दा जन्मदिन मना रहे सन। अजिहा करके उन्होंने लोगों के मुद्दों तो मुँह फेर के ऐशो आराम वल ध्यान दिता होया सी। मैंने मुख्यमंत्री को इसलिए पत्र लिखा है कि एक सिस्टम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो प्रशासन है उसको चलाने का, कि उसमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर नहीं होने चाहिए, गैर संवैधानिक जो केंद्र बन जाते हैं ना सत्ता का, वो नहीं होने चाहिए। और मुझे लगता था कि पंजाब में एक गैर संवैधानिक सत्ता का केंद्र आरुषा आलम बन चुकी हैं। मैंने खुद देखा था जब स्वीयरिंग इन सेरेमनी हुई थी तो एक बड़े खुले सोफे के ऊपर ये बैठी थी, साथ में एक दो और लेडीज़ भी थी और हमारे एमएलए खड़े थे, उनको बैठने की जगह नहीं थी। तो चलो एक अतिथि का सत्कार मान के मैंने उस समय ये मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद देखा जब पंजाब में पानियों का मुद्दा चल रहा था, जगह जगह दरियाओं का पानी ख़राब हो रहा था पोल्यूशन के कारण, तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री 4 या 5 दिन की छुट्टी लेकर मनाली गए हुए थे और जाने का कारण यही था कि वहाँ पे आरुषा आलम जी का बर्थडे मनाया जा रहा था, ये 21 मई की बात है। अरोड़ा ने कहा कि हुण जदों आंगनवाड़ी वर्करा संघर्ष दे राह पईयां होईयां सन तां उन्होंने आरुषा आलम नूं खून नाल खत लिखना सी। खून नाल खत लिखण बारे जो चेतावनी उन्होंने दित्ती सी उस तों बाद सरकार हरकत विच आई अते आंगनवाड़ी वर्करा ने आगुआं नूं मीटिंग लई बुला लिया, जिस तों साफ है कि आरुषा आलम दा पंजाब सरकार विच पूरा प्रभाव बन चुक्या। उन्होंने कहा कि आरुषा आलम अते कैप्टन दी दोस्ती हुण निजी वाला मामला नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री नूं लोकां ने पंजाब दे चंगे भविख लई चुणिया, पर ओह ऐशो आराम अते यारियां दोस्तियां विच समां बर्बाद कर रहे ने ते अजिहा करके कानून अते संविधान दे उल्ट चलिया जा रहा। सोशल मीडिया पे खबर सर्कुलेट हुई कि पंजाब की जो आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक बयान दे दिया कि यदि हमारे मंत्री हैं जो वुमेन डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रन के, सोशल सिक्योरिटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मंत्री हैं, उनके साथ मीटिंग नहीं फिक्स की जा रही थी, उनकी अपनी डिमांड्स थी, उनकी सैलरीज बहुत कम हैं, उनको शायद नौकरियों से हटाने का भी प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा कि हम आरुषा आलम को एक पत्र लिखेंगे, अपने खून से, स्याही की बजाय खून से लिखेंगे कि वो दखल दे इस मसले में। और जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी तो तुरंत ही जो अखबार में लिखा है बहुत सारे फ़ोन कॉल उनको गए और तुरंत ही मंत्री जी के साथ 12 जून के लिए मीटिंग भी फिक्स हो गई और उनसे ये वायदा लिया गया कि आरुषा आलम वाला इशू नहीं उठाएंगे। उन्होंने फिर भी कहा कि यदि 12 तारीख को हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो 13 से 15 तक 3 दिन के लिए हम फिर आरुषा आलम का कुछ चिट्ठियाँ खून से अपने से ले कर भेजेंगे। तो देखने वाली ये बात है कि इतना पैनिक क्यों, एक जर्नलिस्ट का, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उसका नाम ले दिया जाता है कि हम उसको अप्रोच करेंगे। ये तो समझ में आती है कि किसी का दखल नहीं होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इतना पैनिक क्यों कि उसका नाम किसी ने उठा भी लिया। उन्होंने कहा कि आरुषा आलम पाकिस्तान विच सुरक्षा मामले दी कवरेज करदी रही है, जिस कारण इस तो भी मुनकर नहीं होया जा सकता कि आरुषा आलम देश दी सुरक्षा बारे कोई जानकारी पाकिस्तान सरकार नूं दिंदी होवे। अरोड़ा ने कहा कि ओह इस मामले बारे पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट विच जनहित पटीशन भी दाखिल करनगे। जिस प्रकार वहाँ के जनरल जहिया खान की जो रखेल थी उसकी बेटी हैं और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस वगैरह को कवर करती थी एज जर्नलिस्ट भी, तो एक खतरे की घंटी भी हो सकती है हमारे हिंदुस्तान के लिए, लोग सीरियसली नहीं लेते। और इसको हम यदि कहें कि ये किसी का जाती मुद्दा है या पर्सनल लाइफ का, ये पर्सनल लाइफ मुख्यमंत्री को नहीं हुआ करती। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले की बात है, ये मोदी गवर्नमेंट आने से पहले की, उस समय बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो बाहरले कंट्री गए थे और किसी औरत को साथ ले गए थे, उसको अपनी वाइफ बनाकर शो किया गया था अपने पासपोर्ट वगैरह में। तो जब ये मसला उठा तो उन्हें रिज़ाइन देना पड़ा था। और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर ऐसा दोष लगे कि किसी के साथ उसके ऐसे संबंध हैं कि प्रशासन के ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है, तो ये बहुत गंभीर मसला है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि आप कृपा करके दखल दें, आरुषा आलम जी का जो
पास्ट क्रेडेंशियल्स हैं, पिछोकड़ है, उसकी पूरी इंक्वायरी इंटेलिजेंस से कराएं और फिर विचार करें कि इसका जो पासपोर्ट वीज़ा वगैरह एक्सटेंड हुआ 1 साल के लिए, और ख़ास करके बड़ी एक इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सटेंड हुआ है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो अकाली दल से संबंध रखती हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर ये एक्सटेंड हुआ है एज़ पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। सो ये बहुत गंभीर मसला बन जाता है कि इतने बड़े बड़े व्यक्ति दखल क्यों दे रहे हैं। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, सैकड़ों जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में आते होंगे, जाते होंगे पाकिस्तान से भी, तो इतना महत्व क्यों है और इतनी दखल अंदाजी मंत्री लेवल पर क्यों है। सो इस सब पर विचार करके इसका वीज़ा पब्लिक इंटरेस्ट में कैंसिल कीजिए, यही मैंने उनको रिक्वेस्ट की। चंडीगढ़ तो जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, चैनल पंजाब।